गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सना, जैसे कि आप सब जानते हो। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं दोपहर के शायद 2:45 का समथिंग टाइम हो रहा है। और अभी बस मैं अपने लाइव का एंड करने जा रही हूं और इधर चल रहा है मेरा लाइव, ये देखो तो इधर चल रहा है मेरा लाइव। अभी मैं लाइव का एंड कर दूँगी, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं आराम करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा थक गई हूँ, और 5 बजे के समथिंग मिलूँगी। एंड डिनर में आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। जी हाँ, आज डिनर में बनाएंगे दाल बाटी, और मिलती हूँ आपसे शाम को 5 बजे के करीब। अभी एक ब्लॉग एडिट करना है और अभी मैं सो जाऊँगी बिकॉज मैं थक गई हूँ। और आज जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मैंने पहनी है साड़ी। जी हाँ, तो वही साड़ी पहन रखी है जो लास्ट ब्लॉग में पहनी थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने लास्ट ब्लॉग का एंड किया है और अभी मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी लाइव चल रही है तो थोड़ी बातें कर लेती हूँ अपने फ्रेंड्स से और आप लोगों से। तो बाय गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने लाइव का एंड कर दिया था, और लाइव का एंड करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी, अपना फ़ोन वगैरह चेक किया। देन उसके बाद फिर मैं आ गई अपने कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ये बाथरूम में ही लगे हुए थे और मैं बाथरूम में धोकर डाल देती हूँ, और जब इनका पानी निकल जाता है तो फिर उसके बाद फैला देती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि मेरा ड्रायर ख़राब हो चुका है, तो अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है मुझे बिकॉज़ गर्मियाँ हैं। तो बस वही कपड़े मैं अपने फैला रही हूँ यहाँ पर, और गर्मियों में तो बहुत आसानी से सूख जाते हैं, दिक्कत आती है तो सिर्फ सर्दियों में ही आती है। और यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद थोड़ी देर बाद आ गई थी दीदी, तो बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। ये उनकी बड़ी वाली दीदी हैं जो पहले ही ससुराल जा चुकी थी, मैरिड हैं ये, तो बस हम दोनों गप्पे मार रहे थे। हे गाइस, तो अभी यार बिल्कुल प्लान चेंज हो गया है, क्या बताऊँ, बैठ जाऊँ मैं पहले तो। हाँ, तो एक्चुअली हुआ ये, आज हमने भिगो दी थी दाल की दाल बाटी बनाएंगे, बट दीदी आई थी, वो बोल रही है कि सबका खाना हमारे घर पे है, और आज मैं वही है तुम्हारा इनविटेशन, और अब हमारा तो प्लान कैंसिल हो गया दाल बाटी का, बिकॉज़ फिर वहीं बनेगा तो अब कैंसिल करना पड़ेगा प्लान, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमने छोले वगैरह भिगो रखे हैं और आज तो वही हमारे घर पर ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी दीदी आई है, बोल रही है तुम भी चलो, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और वो आ गई थी 3 बजे के करीब, और हमने बैठकर बहुत सारे गप्पे मारे, बहुत सारी बातें की। और आज उनके भैया भाभी भी आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो उनके जेठ जेठानी जी, तो बस इसीलिए अभी शायद देखते हैं। पापा जी को बोल रही हैं वो कि ताऊ जी आप लोग सब हमारे घर पर खाना, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि उन्हीं के घर पे है आज इनविटेशन तो है, बट पापा हमारे बहुत मुश्किल से मानते हैं कि आज हम बनाएंगे तो फिर भैया हम ही बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, पापा मान जाए तो फिर उनके घर पे बनाएंगे, नहीं तो फिर हमारे घर पे बनाएंगे, अभी कुछ फाइनल नहीं है, देखते हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ऐसे, हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं ना तो ये होता है चाची के घर पे खाएंगे या हमारे घर पे खाएंगे, रिलेटिव्स बेचारे परेशान हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे घर पे खाना और वो बोलते हैं हम उनके घर पे खाना, तो बस रिलेटिव्स बेचारे फंस जाते हैं। तो चलो मैं रखती हूँ, मैं अपने कपड़े उतार कर रख दूँ क्योंकि फिर शायद चाची के घर पर जाना पड़ेगा, तो फिर पता नहीं रात को 10-11 बजे कब 12 बजे तक आऊँ मैं, क्योंकि अगली गली में ही रहती हैं और सब साथ रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फटाफट से मैं कपड़े उतार दूँ फिर देखती हूँ क्या करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और मैं अपने कपड़े उतार कर रख रही हूँ, बिकॉज़ एक बार चाची के घर जाने पर तो बस पता नहीं चलता कितने बजे आएंगे। और ये वही दीदी हैं, मैं इनसे कुछ बातें कर रही थी तो, बट पीछे से बाद में मैंने चेक किया तो बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, बिकॉज सब थे दूसरे वाले कमरे में, सब बैठे हुए थे तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने क्या बोला है। तो इसलिए फिर मैंने क्लिप डाल दी है, ये उनके भाई हैं और ये उनके बड़े भाई हैं जो दीदी जाएंगी, और ये छोटी बाबू मेरी ननद लगती हैं, उन्हीं की बेटी हैं ये। और बस ये देखो, ये मेरे देवर हैं, मुझसे मजाक कर रहे थे, ये चाची के बेटे हैं, और इस बाबू को मैंने ले लिया था यहाँ पे, अब बहुत क्यूट है ये, अब बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम दोनों ननद भाभी बहुत मजाक कर रहे थे
एक्चुअली मेरे घर में सब बहुत मजाकिया मूड के हैं, तो सब बहुत मजाक करते हैं। यहाँ पर मेरे सर से पल्ला उतर गया था, तो बस मैं इनसे बोल रही थी मेरे सर पे पल्ला रख दो। कौन है बताओ? और ये वाली दीदी है अन्नू। अन्नू गंदे ऐसे उगले सी बात नहीं करनी है अन्नू को, और बात भी नहीं करनी है इससे। अन्नू बताओ इधर को देखना, एक वो दीदी वहाँ बैठी। गाइस यहाँ पे खाना पीना हमारा सबका हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पे जब गौना होता है तो गीत गवाए जाते हैं, जो लेडीज़ होती हैं आसपास की वो आकर गीत गाती हैं, तो बस वही यहाँ पे गीत गाने के लिए लेडीज़ इकट्ठा हो गई हैं। और आप इंडियन हैं तो पता ही होगा कि गीत गाए जाते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें सारी बातें शेयर की हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय गाइज़।